नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। आर्यावर्त टीवी के साक्षात कार्यक्रम में हम ऐसे शख्स को लाते हैं जो समाज सेवा हो या विभिन्न क्षेत्रों में अपने उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलराज कपूर जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक भी हैं तथा साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में इनका काफी सक्रिय योगदान है। डॉक्टर साहब का ह्यूमन एक्सलेंस फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से एक सोसाइटी है जो मानवीय संवेदनाओं को उभार कर नए लोगों को नए जीवन प्रदान करती है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपकी संस्था है जैसा आपने बताया कि 2014 में स्थापित थी ह्यूमन एक्सलेंस फाउंडेशन ट्रस्ट, इसकी मतलब इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर आपने इसको स्थापित किया था? हमने जब देखा कि हमारी सोसाइटी में नौजवानों का और बाकी तकरीबन जो हमारी खलकत है, लोग हैं हमारे देश के, उनमें अभी भी मोरालिटी के मामले में मतलब उनको कई चीज़ों का ज्ञान जो है वो कम है, वो अपने देश की तरफ भक्ति भी कम है और ये भी देखता हूँ कि कई बार वो अपने मूल्यों को प्रॉपरली नहीं समझ रहे, हमारे देश के कल्चर को, हेरिटेज को वो फॉलो नहीं करते हैं। खास करके नौजवान, आज के नौजवान कई गलत रास्ते पर भी चले गए हैं। तो ह्यूमन एक्सलेंस फाउंडेशन का मेन पर्पस ये था कि अच्छाई को आगे बढ़ाना, मानवता को आगे बढ़ाना, मानव को अच्छा मानव, श्रेष्ठ मानव कैसे बनाना, उसके अंदर अच्छाई को भरना, अच्छाई उसके अंदर बढ़ाना, ये हमारा मेन एम था और इसी एम से हम काम करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं और हम मैं क्योंकि एक डॉक्टर भी हूँ तो एक अच्छी सेहत के बारे में भी मुझे बहुत ख्याल रहता है कि किस तरीके से हम हमारे लोगों की सेहत, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो नौजवान हों, सब की सेहत का, उनको कैसे सेहतमंद बनाया जाए, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए और उनकी उनकी सुंदरता जो मन की और तन की दोनों को आगे बढ़ाया जाए, इस तरह के विचारों से हमने ये दिमाग में रख के हमने ये फाउंडेशन तैयार की थी। डॉक्टर साहब, जैसा कि नाम से ही है इनका संस्था नाम है मान, मैंने ह्यूमन लेकर लिया है, तो ये जो आपने काम कर रहे हैं मानव हित के लिए कार्य, जी हाँ, तो किस रूप में कैसे करते हैं कार्य मानव हित को कि मतलब लोग इसे प्रभावित हो सके? हाँ जी, जैसे हम कहते हैं कि जो हेल्थ का मामला है तो हेल्थ में हम चैरिटेबल क्लिनिक्स, हेल्थ कैंप्स वगैरह लगा के लोगों को उसके बाद अवेयर करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हेल्थ के बाद क्या ध्यान देना है, न्यूट्रिशन के ऊपर कैसे ध्यान देना है, खाने पीने के मामले में एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये तो एक फील्ड है जिसके हम वो करते हैं। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है मेन, दो कंसेप्ट है, एक उसको हम आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ लिविंग का मकसद ये होता है कि आध्यात्मिक जिंदगी में कैसे निपुण होना, कैसे ऊंचाइयों को छूना और दुनियावी जिंदगी में कैसे सफल होना, सक्सेसफुल होना, कामयाब होना, ये दोनों चीज़ों का एक समन्वय कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर हम काम करते हैं। एक तो हमारा ये कंसेप्ट है और दूसरा आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग है, जिसमें हम बुजुर्गों की, नौजवानों की, बच्चों की सेहत के बारे में सोचते हैं और उनको हम काउंसलिंग करते हैं ताकि वो एक अच्छी सेहत के मालिक बन सके। आपने अपने उद्देश्यों के बारे में बताया तो इसमें जो एक दुनिया में बहुत खत्म हो गए जैसे नैतिक शिक्षा, क्या आप इसके नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान अपने संस्था की ओर से देते हैं? जी हाँ, मैं वही बात एक्चुअली शुरू में कहना चाहता था कि नैतिकता हमारी, जो वो वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, वो शब्द नहीं आ रहा था, नैतिकता की को देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों की जो नैतिकता जो है उसके ऊपर हमको काम करना है और हमको एक उनको एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक हिंदुस्तान का बनाना है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में नैतिकता थोड़ी नीचे जा रही है और हम उस नैतिकता को ऊंचा करने में हमारा थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी योगदान होगा हम करने के लिए कोशिश करेंगे। आपका जब हमने वेबसाइट पढ़ा तो उसमें देखा कि आपका एक एम है अच्छा करो, अच्छा बनो और ईश्वरता की ओर भलाई करो, जी तो किस रूप में करते हैं ये काम? हम इसी को कहते हैं, हम इसको इस तरीके से कहते हैं, बी गुड, डू गुड, बिकॉज गुडनेस इज गॉडलीनेस, गुडनेस इज गॉडलीनेस,
तो कहने का मकसद यह है कि अच्छाई करोगे, अच्छाई का मकसद है दुनिया की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो, जो वो करना है। तो अच्छाई तो एक तो ये है अच्छाई, दूसरी अच्छाई ये है कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखो, ये भी एक अच्छाई है। आप अपने इलाके को सफा स्वच्छ रखो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी पॉइंट है कि स्वच्छ भारत का, वो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो वो भी बहुत कमाल का कंसेप्ट है और वो उसी को भी आगे ले जाना, वो भी एक अच्छाई है। पोल्यूशन का कंट्रोल करना, उसमें आपकी भागीदारी होना, वो भी बहुत ज़रूरत है। और कई और चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम काफ़ी हमारे देश में गलत काम हो रहे हैं, जैसे फूड में एडल्ट्रेशन हो रही है, दूध में एडल्ट्रेशन है, सब्जियों में एडल्ट्रेशन है, फ्रूट्स में एडल्ट्रेशन है, दालों में एडल्ट्रेशन है, या उनमें इन चीज़ों की ज़्यादा केमिकल्स की मात्रा नजर आती है, पेस्टिसाइड्स की मात्रा नज़र आती है, वो सेहत पे नुकसान करती है, तो उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना। रास्ते में आपने देखा होगा स्ट्रे डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते, वो गंद फैलाते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बड़े थ्रेट हैं। बच्चे बाहर नहीं जा सकते, पार्कों में आप बैठ नहीं सकते, आप रात शाम को घूम नहीं सकते, बुजुर्गों को बुजुर्ग शाम को घूम नहीं सकते, अगर वो काट लें या उनका इवन सलाइवा भी लग जाए तो वो खतरनाक हो जाता है। रेबीज की कितनी ज़्यादा वैक्सीन हिंदुस्तान में बेकार में 80-90% रेबीज वैक्सीन यूज़ होती है, जिसका कोई मकसद नहीं, अगर ये स्ट्रे डॉग ना होते तो इतना खर्चा हो रहा है गरीब कंट्री में, या उन गरीब लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। स्ट्रे डॉग्स का होना, रेडिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से हटाना। कोई दुनिया में किसी भी सिविलाइज कंट्री में आवारा कुत्ते रोड के ऊपर नहीं होते, पता नहीं हमारे देश में इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी गवर्नमेंट भी ध्यान दे और सोसाइटी भी ध्यान दे। डॉक्टर साहब, आपने उद्देश्य सुनाता है कि आप एक चूंकि सफल चिकित्सक हैं तो आपकी छाप उसमें पड़ी हुई है। अच्छा, जैसे ये तो है कि कोई भी संस्था चाहे कोई कार्यक्रम करने काफ़ी लोगों की जरूरत होती है, तो आपके साथ किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, और भी कोई लोग जुड़े होंगे इनके साथ? बिल्कुल जी, हमारे एसोसिएट जो मेजर एसोसिएट्स हैं वो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर लिमिटेड वाले हैं, और हमारे साथ जो और लोग जुड़े हैं उनमें योगा एक्सपर्ट है हमारे संजय चोपड़ा जी, उसमें हमारे साथ एक एरोबिक्स एक्सपर्ट है जो वो है मिस्टर वीरेंद्र रावत जी, हमारे साथ जो और लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं जिनका जो हमारे इसी संस्था को सफल बनाने में जुड़े हुए हैं हमारे संस्था के साथ, वो दिनेश सिंह हैं, धीरज सिंह हैं, रविंदर कुमार हैं शर्मा जी, और नीरज सिंह हैं, और हमारे और भी कई साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस संस्था को सफल बनाने और इस संस्था के कार्यों को सफल बनाने के लिए वो आगे आ रहे हैं। आपने एक बात की सिक्स सिग्मा की, सिक्स सिग्मा समाज सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा में बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, आप उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, कैसा लगता है उनके साथ काम करते हुए? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी और उनकी सोच तकरीबन सेम है, मतलब उनका हमारा गोल तकरीबन सेम है। सेम का मतलब ये होता है कि हम भी इस देश की भलाई और देश के लोगों की भलाई चाहते हैं, और उनको जितना निपुण हो सके, जितना सफल हो सके उतना बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, और वही काम सिक्स सिग्मा वाले कर रहे हैं। उन्होंने भी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, रिमोट एरियाज में पब्लिक हेल्थ के ऊपर बहुत जोर दिया है। हम शहर के अंदर और गाँव के अंदर हेल्थ के ऊपर बहुत जोर देते हैं, हम फिटनेस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल तीनों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा एम यह है कि जब तक आदमी आध्यात्मिक हिसाब से आगे नहीं है तब तक वो दुनियावी जिंदगी में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जो आध्यात्मिक जिंदगी में निपुण है वही आदमी अपनी दुनियावी जिंदगी में भी निपुण हो सकता है, और ईश्वर कहो और ये दैवी शक्तियाँ कहो, डिवाइन फोर्सेस कहो, वो उनकी मदद करती हैं जब आपके अंदर वो आध्यात्मिक निपुणता होती है, तब आपका गोल क्लियर होता है, तब आपकी सोच सफा होती है, जब आपके अंदर जोश होता है कि मैंने किसी काम को कार्य को सफल बनाना है, तो उस दैवी शक्तियाँ भी आकर आपकी मदद करती है, आपका रास्ता रोशन करती है और आपको अपने गोल और अपने मंजिल पर पहुँचाने की मदद करती है। ये हमारा
सोचना है। आप अपने संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे उन लक्ष्यों तक पहुँचना चाहते हैं। जी हाँ, ये हम लोगों को लोगों की गुण विशेष चाहिए, उनका साथ चाहिए। जैसे सिख माँ वाले हैं, उन हमारा साथ देते हैं, और भी हम चाहते हैं कि जितनी भी ये दुनिया है के लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के, हमारे शहर के, ये सब लोग आगे आए। और जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो अपने देश के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं यही चाहूँगा कि वो सब आगे आए। और हर एक आदमी अपना एक सोच लेके आए, तो ज़रूरी नहीं कि मेरी सोच सबसे सुप्रीम है, और लोगों की और भी सोचे हैं, उनके भी कई अलग एजेंडा होंगे, तो वो भी लेके आए और हम उन सबको आगे लेके चलने के लिए तैयार हैं। जितना हम कर सकेंगे उतना हम करेंगे। लेकिन एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो है कि इंसान के अंदर संगीत का, हमारे कल्चर का, हमारे हेरिटेज का, हमारी वैल्यूज़ का को भी आगे ले जाने के लिए भी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी चाहिए और उसकी तरफ हमारे को ध्यान रखना चाहिए। और गलत चीज़ें जैसे आजकल ड्रग्स हैं और तरह तरह की बुरी आदतें, अल्कोहलिज्म और कई तरह तरह की बुरी आदतें जो यंग यूथ को पड़ रही हैं, उनको उन चीज़ों से निकाला तभी जा सकता है जब उनको अध्यात्म की तरफ लाया जाए, स्पिरिचुअल उनकी लाइफ को और अच्छा किया जाए, तब जाके वो इन चीज़ों से जान उनकी छूटेगी और तब जाके वो ये देश के भले की तरफ और अपने भले की तरफ। तो मेरा एम ये होता है कि सिर्फ आप दुनियावी, आप अपने आध्यात्मिक और दुनिया के लिए भी काम तो करते हो, लेकिन आप अपने लिए भी इतने ही सक्सेसफुल जितने कि आप दुनिया में सक्सेसफुल हो। तो आपको सोशली भी सक्सेसफुल होना चाहिए, तुमको घर में भी सक्सेसफुल होना चाहिए, तुमको हर काम में सक्सेसफुल होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक आप आध्यात्मिक जिंदगी आपकी निपुण ऊंची नहीं होगी, तब तक आप एक सफल इंसान नहीं बन सकते। गुड ह्यूमन बीइंग इज वन हु स्पिरिचुअली सुप्रीम, देन ओनली ही बिकम्स वर्ल्डली सुप्रीम आल्सो, ही कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड एज वेल इन हिज लाइफ एज वेल। अभी बात आपने क्या युवाओं के लिए, कई दुष्प्रवृत्तियां युवाओं पर लगता है, तो आपकी संस्था युवाओं के लिए क्या कर सकते, उन्हें प्रेरित करने के लिए क्या क्या कर रही है? जी बिल्कुल, हम क्योंकि युवा जो है वो एक देश का भविष्य होता है, युवा ही सब कुछ होता है, युवा से ही सब चीज़ होती है। इसमें यकीनन है कि बच्चों से शुरुआत की जाती है, लेकिन जब वो युवा होता है तो उसका दिमाग जो है तकरीबन हर चीज़ के बारे में उसकी समझ पूरी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को अगर वो गलत रास्ते में पड़ गए तो वो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं, अगर वो अच्छे रास्ते में डाल दिए जाए तो हम ये चाहते थे कि हम उनको काउंसलिंग करें, हम उनको फ्री काउंसलिंग दें, ताकि उनको करियर काउंसलिंग दें, उनको ज़िंदगी के बारे काउंसलिंग दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का रास्ता अच्छा चुन सकें, उनके अंदर जोश भरें, उनके अंदर उनको ये बताएं कि आपका विजन और आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर हार्ड वर्क होना चाहिए, आपका करेक्टर हाई होना चाहिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। और आपका बॉडी के अंदर फिटनेस भी होनी चाहिए, आपका शरीर भी उतना ही और मन भी उतना ही सुंदर और खूबसूरत होना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह से ज़िंदगी में आपको किसी तरह की निराशा ना हो। एक अभी बात हुई थी युवाओं की, युवाओं से अलग एक वर्ग है बुजुर्गों का भी है, और एक मैंने काफी लोग गरीब भी है, तो आप बुजुर्गों और गरीबों के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल जी, सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग ही हमारे धरोहर हैं, बुजुर्गों की वजह से ही हम यहाँ पर हैं, बुजुर्गों की वजह से सारी दुनिया है। तो बुजुर्गों में विजडम जो है, सियाणप जो होती है, सबसे ज्यादा ऊंची होती है, वो हमारे लिए हमारा रास्ता हमें दिखाने के लिए उनकी बहुत बड़ी योगदान हो सकता है। लेकिन उनकी सेहत के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि वो उनकी अच्छी सेहत रहे। तो आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग में मैंने ये सोचा है कि बुज़ुर्गों के लिए मैं जितना भी कर सकता हूँ उनको न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब खान पीन के बारे में, उनके प्रिवेंशन की बीमारियों के बारे में, उनकी एक्सरसाइज, वॉक और इन चीज़ों के बारे में हदायत देना उनको, और ताकि वो उनकी हेल्थ भी सही रहे और वो उनका जो योगदान है हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए, उनकी सलाह, उनका मशवरा वो भी लेना, ये भी हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसका नाम रखते हैं एक एल्डर्स क्लब, हमने एक एल्डर्स क्लब बनाया, एक पेरेंट्स क्लब बनाया, एक यूथ क्लब बनाया। तो हम ये इस तरीके से हम हर डिपार्टमेंट को के ऊपर हमने
अटेंशन केंद्रित करी है ताकि वो क्योंकि समाज का हर इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही जरूरी है, महत्व है, महत्वहीन है, उतना ही महत्वहीन है, और उसकी हर एक की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है, अपना अपना रोल है सोसाइटी में, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में। इसलिए हम सबके लिए काम करना चाहेंगे और मैंने इसीलिए ये 3-4 डिपार्टमेंट्स में इस संस्था का एजेंडा रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, एक आप सफल चिकित्सक हैं, कई बड़े-बड़े संस्थाओं में आपने काम किए, तो इतना सब करने बाद कैसे समाज सेवा के लिए आपको मौका मिलता है, कैसे प्रेरणा आपको मिली? जी हाँ जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें बहुत ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे माता जी की है, क्योंकि मेरी माता जी भी हेल्थ के मामले में हेल्थ विजिटर थी, हेल्थ एडवाइजर थी, और उन्होंने हम शुरू से ही हमारे बचपन से ही हमारे अंदर ये चीज़ भर के रखी कि हम इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा जो है वो समाज सेवा है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं। इंसान पैसा भी सब चीज़ों से पेट भर जाता है, मन भर जाता है, लेकिन समाज सेवा एक ऐसी चीज़ है जो आपको आखिर तक ऊपर लेके जाएगी। एक तो हमारी माता जी का बहुत बड़ा, और फिर उनकी डेथ भी कैंसर से होगी, जो उससे मुझे बहुत दुख हुआ, और मेरे दिल में ऐसे लगा कि ये 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 इस कैंसर क्यों हुआ, ये पोल्यूशन और ये सब चीज़ों के मैं बहुत ज़्यादा वृद्ध हूँ, और मैंने सोचा कि मैं लोगों को कम से कम अपनी माँ को तो नहीं बचा सका, लोगों को अगर कुछ मैं मदद कर सकता हूँ। और मेरी मिसिज भी है डॉक्टर बीना कपूर जो मेरे साथ हैं, वो भी उनका भी बहुत इसमें बड़ा भागीदारी रही, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया इस मामले में कि हम कुछ करें, क्योंकि हमारे जब सब कुछ भगवान की दया है तो क्यों ना हम लोगों की सेवा में थोड़ा सा अपना मन एक 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 पोर्शन आप अपनी लाइफ का उसके ऊपर आप थोड़ा डिवोट करें, उसके ऊपर थोड़ा लगाएं, ताकि लोगों का भला हो, हमारे देश का भला हो, हमारे सिटीजन्स का भला हो, और हमारा ईश्वर हमसे खुश हो, हमारा भगवान हमसे खुश हो, हमने भी दुनिया में, और जाते जाते हमको अच्छा लगेगा कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भलाई का काम करा है। और मैं समझता हूँ हर इंसान का ये फ़र्ज़ है, सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ किसी पे एहसान कर रहे हैं, हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो गरीबों की, दुखियों की, दर्दमंदों की, उनकी सेवा करे, और बुज़ुर्गों की सेवा करे, उनकी इज्जत करे, ताकि ईश्वर उनको सबसे बड़ी अपनी ब्लेसिंग्स दे, अपना आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम लोगों की सेवा करेंगे। अपने ह्यूमन एक्सलेंस जो सोसाइटी है काफ़ी काम किया है, तो उसके कुछ योजनाएं बने होंगे, आगामी योजनाओं के बारे में बताएं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ख़ास करके यूथ के लिए हम काफ़ी कई योजनाएं बनाई हुई हैं, उसमें हम यूथ की फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उनको, और हम योगा, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर और इंडियन जो पैथीज है, हालांकि मैं एक एलोपैथ हूँ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मुझे फिर भी इंडियन कई चीज़ों से हमारे जो देश की कई पैथीज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और ख़ास करके हमारा जो योगा और मेडिटेशन से जो जो फ़ायदे हो सकते हैं शरीर को, उसके ऊपर फिर एरोबिक्स करके, योगा एरोबिक्स के नाम से हमने एक ये निकाला है, प्रोजेक्ट निकाला है, जिससे कि हम यूथ को, और उसके साथ साथ हम यूथ को काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग देना चाहते हैं, ताकि उनका उनको ज़िंदगी का रास्ता कैसे उनको आगे बढ़ना है वो भी हम उनको बताना चाहते हैं। ये तो हमारे एक प्रोजेक्ट है, और स्कूल्स में स्कूल हेल्थ के ऊपर भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम स्कूल में, क्योंकि बच्चों को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास करके टेंशन होती है जब एग्ज़ाम्स होते हैं, और बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा जो है कि बच्चों के स्पोर्ट्स के ऊपर, बच्चों की और टैलेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, सिर्फ एक पढ़ाई नहीं, सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि, तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम हर स्कूल में ये एम्फेसाइज करते हैं, ये कहते हैं कि भी आप बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे उनकी तरफ लेके जाओ, सिर्फ एक चीज़ में निपुण बनाने से आगे नहीं हो सकता, क्योंकि सक्सेस में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और तीसरा जो जो है वो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग, आइडियल पेरेंटिंग जो है
कि पेरेंट्स को बताना कि अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करना है, उनको कैसे उनका डे टू डे ध्यान रखना है, हर दिन उनकी प्रिवेंशन बीमारियों कैसे प्रिवेंट कैसे करना है, उनकी खुराक और न्यूट्रिशन कितनी कैसे बनानी है, उनको क्या क्या अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में सिखानी है, कैसे वैल्यूज़ और मूल्य उनको सिखाने हैं, अपने बच्चों को गलत चीज़ें रास्ते में नहीं डालना है, और सद्भावना जिसको कहते हैं वो सिखानी है। तो उसके ऊपर भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, स्कूल्स के ऊपर, यूथ के ऊपर, बुज़ुर्गों की हेल्थ के ऊपर, ये भी हमारा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ हम और भी कई नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे, अभी हम उसका खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि एक वक्त में इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन शुरुआत की है तो हम कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। और मुझे यकीन है कि हम इस देश के लिए, इस मानवता के लिए और अपने खुद की रूह को खुशी के लिए हम कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करके जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। स्वस्थ भारत में ही स्वस्थ युवा रह सकते हैं और उन्हें नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, कहे हैं डॉक्टर कुलराज कपूर जी का। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।